नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं शेख जुई। कोटा के राजनीति के बड़े चेहरे और दो बार विधायक रहे भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल ने अपनी पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुंजल के कांग्रेस परिवार में आने पर स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रहलाद गुंजल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब वो विधायक थे तब आज के मुख्यमंत्री सरपंच के लिए संघर्ष कर रहे थे। भाजपा में खुददार नेताओं की अब कोई कदर नहीं रही, सिर्फ दरी बिछाने वालों को अहमियत दी जाती है। मैं दरी बिछाने वाले और गुलामी की राजनीति करने वाला नहीं हूँ, इसलिए कांग्रेस परिवार में आ गया हूँ। प्रहलाद गुंजल ने आगे कहा कि दो दिन पहले बीजेपी के एक नेता का बयान आया था कि लोग दरवाजे तोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां बहती है, जिंदा लोग तो धारा के विपरीत चलते हैं। गुंजल ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार सुरक्षा की गारंटी होती है, भय का कारण नहीं होती। जब सरकार भय का कारण बन जाती है तो नौजवान कार्यकर्ताओं को हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। वर्तमान में देश में ऐसे हालात बन गए कि सरकारी ताकत के बूते आम आदमी की आवाज़ को दबाने और कुचलने की प्रवृत्ति अब लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई है। आगे बढ़ने से पहले तफसील से सुन लीजिए गुंजल ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की राजनीति में उपस्थित तमाम लोगों से सदस्यता के नाते अगर बात करूं तो किसी से भी जूनियर नहीं हो सकता। मैं जब राजस्थान का विधानसभा का मेंबर बन गया था, यहां के मुख्यमंत्री जी सरपंच की दौड़ में शामिल थे। मैं जब राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बन गया था, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंचायत समिति के मेंबर हुआ करते थे। और मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सत्ता के बूते खुददारी को खरीदने का प्रयास करने वाले लोगों, बहुत सारे लोगों को रोड शो करा के संदेश डाले वाले लोगों को, भारतीय जनता पार्टी में दीवारें तोड़कर लोग आ रहे हैं, धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां बहती है, जिंदा लोग धारा के विपरीत। आज भारतीय जनता पार्टी जिस चारित्र चेहरे की बात क्या करती थी, वो सिद्धांत और रीति नीति केवल प्रचार का ठकोसला मात्र रह गया। अब चीजें खत्म हो गई। कोटा की राजनीति में एक व्यक्ति का कब्जा हो गया, और एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति के भी परिवार का कब्जा हो गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत से जुड़ा हुआ खुददार कार्यकर्ता खून के आंसू बहा रहा है, वो केवल इस बात का नैतिक सांस नहीं जुटा पा रहा कि हम अपनी विचारधारा को त्याग कर इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन मैं उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उस सत्ता के मुद्दे अपनी ताकत का प्रभाव और प्रकोप हालत की जनता को दिखाने वाले के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शिष्ट नेतृत्व ने मुझे वहां भेजकर जिल्लत देने का प्रयास किया, तब भी मेरे कार्यकर्ताओं ने खून क्या होंगे। आज जिस प्रकार का माहौल शहर में बन गया, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने शुरुआत की है इसको, धारा के विपरीत अंतक और हत्याचार के विपरीत खड़े हो जाओ। आज मेरे साथ राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आपकी ज्वाइनिंग को परमिशन दे दी है, आप आ जाइए। 100 गाड़ियों से भरकर कार्यकर्ता आया है, ये चंचला रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है इस कोटा हाड़ोती की राजनीति में संगठन का काम करते करते जो बीजेपी का चेहरा है, 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़कर मैंने उसके चेहरे मोरे को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोरा बनाया है, उसकी आत्मा आज मेरे निर्णय के साथ खड़ी है। मैं गारंटी से साक्षात कह रहा हूं, आने वाले समय में इस बात का एहसास पूरे राजस्थान की जनता को हो जाएगा।
कल तक जो प्रहलाद गुंजल पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नहीं थकते थे, आज वही गुंजल कांग्रेस की विचारधारा से इतने प्रभावित हो गए कि वो अब कांग्रेस ही हो चुके हैं। प्रहलाद गुंजल ने पिछली अशोक गहलोत की सरकार और उनके तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनमें सबसे पहले वो शांति धारीवाल का ही नाम लेते थे, लेकिन अब जब वो कांग्रेस का पट्टा पहन चुके हैं तो गहलोत भी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, डोटासरा भी उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनकी बहादुरी और दलेरी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि गुंजल के स्वागत में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल मौजूद नहीं थे। धारीवाल की गैर मौजूदगी को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धारीवाल अब भी गुंजल से शायद नाराज हैं, क्योंकि अब दुर्विरोधी रह चुके गुंजल को यूं कांग्रेस में आना अब शांति धारीवाल को रास नहीं आ रहा। हालांकि गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन करते समय धारीवाल को लेकर अपने गिले शिकवे दूर करने की भी कोशिश की। वहीं गुंजल अब कोटा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में आने से अब धारीवाल का क्या रिएक्शन होने वाला है? क्या धारीवाल और गुंजल एक साथ एक मंच पर दिखेंगे? टिकट किसी का भी फाइनल हो, क्या गुंजल और शांति धारीवाल एक साथ प्रचार में दिखेंगे? आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।